पार्ट ऑफ सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं किस टाइप का इसका एज पर अवर रिक्वायरमेंट हम उसके कंस्ट्रक्शनल सिस्टम्स के अंदर क्या क्या चीजें चेंज करते हैं वो काफी डिटेल वीडियो रखने की मैंने कोशिश की थी वहां पर आई होप की आप लोग उस वीडियो को देख के यहाँ पे आए होंगे अगर नहीं देखा है तो अभी जाके देखो उसको और आज के वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से देखते हैं कि इसके अंदर आज क्या क्या टॉपिक मिलने वाला है आपको फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी वर्किंग एंड द सेकंड वन इज गोइंग टू बी द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर तो ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग जो होती है उसमें किन चीजों का मेजर रोल होता है क्या क्या बेसिक पार्ट होते हैं जिनका किस तरीके का ऑपरेशन में रोल प्ले होता है वो सारा कुछ हम इसके अंदर देखने वाले हैं ठीक है और इसी के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसके ऑपरेशन में इसके जो बेसिक ऑपरेटिंग होती है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कौन कौन से ऐसे सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से वर्किंग की ऑपरेशन जो है इसकी जो ओवरऑल मैकेनिज्म जो इसका काम करता है वो कैसे वर्क करता है ठीक तो है तो चलिए देखते हैं इसका सबसे आ, मेजर क्या है इसका वर्किंग का पार्ट तो वर्किंग देखिए इसका सबसे पहले क्या लिखा हुआ है द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू द ए सप्लाई द करंट फ्लोज इन द कॉयल एंड द मैग्नेटिक फील्ड अप ठीक है बोलने का मतलब क्या है जब भी ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी साइड की वाइंडिंग को हम लोग किसी सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं ठीक है कौन सी सप्लाई होनी चाहिए ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई तो क्या होता है द करंट फ्लोज़ इन द दॉयल एंड मैग्नेटिक फील्ड अप अपॉल के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड अप होता है कब जब उसके अंदर करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है ठीक उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट दिस कंडीशन इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड द फ्लो ऑफ करंट इज एज पर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है आगे क्या लिखा हुआ है एज द करेंट इंक्रीजेसिम वैल्यू द मैग्नेटिक्ड स्ट्रेंथ इज गिवन बाई डी फाइव डी टी ठीक है तो क्या होता है जैसे जैसे ग्रेजुअली करंट की वैल्यू देखो क्या होता है फ्लक्स uh, जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई करंट होता है जितनी आप करंट की वैल्यू बढ़ाओगे उतना ज्यादा फ्लक्स सेटअप होगा तो अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इफ इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू इट्स पीक वैल्यू टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू देन एट द सेम टाइम द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो स्ट्रेंथेंस uh, कर जो फील्ड की वैल्यू होती है डिपेंडिंग अपॉन द करंट इट स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग कैसे ऐसा होता है उसको समझ लो एक बार जल्दी से तो देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होगा हो कि वी नो ऑलरेडी दैट द वैल्यू ऑफ एच इज इक्वस टू एन आई अपॉन एल एच इज इक्वस टू एन आई अपॉन एल ठीक है तो ऐसा होने की वजह से आपको यह पता है कि इफ इफ द द नंबर ऑफ ऑफ इज इज लेंथ कंडक्टर देन ओनली द करेंट इज अ थिंग विच कैन डायरेक्टली कंट्रोल द वैल्यू ऑफ एच और यू कैन से दैट एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई करेंट इफ इफ एन एंड एल आर कॉन्स्टेंट इफ एन एंड एल आर कॉन्स्टेंट ठीक है अगर इन दो क्वांटिटीज को कॉन्स्टेंट रख दिया जाए फिक्स रख दिया जाए तो एच कैन डायरेक्टली बी कंट्रोल विथ आई एंड वॉट इज एच एच इज द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इसके साथ हम लोग एक और चीज जानते हैं कि एच द वैल्यू ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर एच ठीक है तो देखो होता क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है करंट के ऊपर क्यों ऐसा होता है क्योंकि हम लोग यहां परमानेंट मैग्नेट की बात नहीं कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेक्शन क्योंकि आपके जितने भी मैग्नेट यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं दे आर ऑल बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ ऑफ कंडक्टर वाइंडिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड द सप्लाई दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इन सो उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो डेफिनेटली उस फील्ड की इंटेंसिटी भी ऐसा कोई फिक्स नहीं रहेगी उसकी इंटेंसिटी भी कुछ चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी तो कौन कौन सी चीज है जिसके ऊपर उसकी फील्ड की इंटेंसिटी देखो फील्ड का इंटेंस होना यह है कि वो कितनी दूर तक और कितना ज्यादा अफेक्ट कर सकता है आसपास की चीजों को ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म ठीक है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर तक जा सकती है और कितनी ज्यादा चीजों को अफेक्ट कर सकती है कितना फोर्स क्रिएट कर सकती है चीजों के ऊपर ठीक तो H इज इक्व एन आई अपॉन एल नंबर ऑफ टर्न कितना रखा आपने कंडक्टर का उस कंडक्टर की लेंथ कितनी और सप्लाई करंट कितना है तो मेजरली अगर मैं बोलूं एक बार अगर आपने बाइंडिंग कर दिया तो नंबर ऑफ टर्न बिकम्स द लेंथ ऑफ कंडक्टर फिक्सो बिकम्स फिक्स एंड ओनली थिंग दैट कंट्रोल्स द इंटेंसिटी इज सप्लाई करंट आप करंट की वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज कर दो वैल्यू ऑफ एच विल स्टार्ट राइजिंग इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग आपने अगर बी एच कर्व आपको याद होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे बी और एच के बीच में जब हम ऐसा कोई ग्राफ ट्रेस करते हैं तो हमारा जो आ, अरेंजमेंट जो हुआ करता था वो कुछ ऐसा था इसके अंदर कि एक सोलेनोइडल सेक्शन हम लोगों ने रखा हुआ था इस सोलेनोइडल सेक्शन को हम लोग सप्लाई दे रहे थे यहाँ पे कौन सी सप्लाई ऑल्टरनेटिंग सप्लाई और इसके पास में एक सॉफ्ट आयरन का पीस था इसके पास में एक सॉफ्ट आयरन पीस को रखा गया था ठीक है अब ये सॉफ्ट पीस जो है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी वर्क कर रही है उसी को हम लोग इस ग्राफ के अंदर ट्रेस करते थे ठीक है तो ग्रेजुअली क्या होता था जैसे जैसे हम धीरे धीरे करंट की मैग्नेट्यूड को इंक्रीज करते थे ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाता था ठीक है और आफ्टर अ सर्टन ड्यूरेशन ये ग्राफ जो है फिर ऐसा कांस्टेंट हो जाता था तो ये कांस्टेंट क्यों होता है इस पॉइंट पे हमको पता है कि इसका आपका कोर जो है मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल का जो कोर है दैट स्टार्ट्स गेटिंग सैचुरेटेड कोर जो होता है वो इसका सैचुरेट हो जाता है ठीक है तो ये सैचुरेट अगर हो गया तो फिर ये पॉइंट हमारे किसी काम की नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको बिफोर सैचुरेशन वाली कंडीशन तक सिर्फ स्टडी करते हैं इस पॉइंट तक तो यहां पे आपको दिख जा रहा होगा कि ग्राफ ऑलमोस्ट आपको लीनियर दिखाई देगा क्यों लीनियर दिखाई देगा क्योंकि बी इज प्रपोशनल टू एच जैसे वी आई कैरेक्टर आप ट्रेस करोगे तो उसमें वी और आई के बीच का ग्राफ भी आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखाई देगा क्यों ऐसा बिकॉज वी इज प्रपोशनल टू आई ठीक

कि द वैल्यू ऑफ एच दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई करंट करंट की वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आप करते हो उसके बेसिस पे सेम चेंजेस आपको किस में दिखते हैं एच के अंदर भी दिखाई देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड सप्लाई करंट पे एंड एज इट इज रिटन द करंट इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथेंस एंड इज गिवन बाय डी फाइ अपॉन डी टी यानी करंट की वैल्यू जीरो से जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते हो वैसे वैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाती है एज यू कैन सी कि इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इसकी स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो रही है ठीक है मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी भी बढ़ रही है बिकॉज इफ इफ यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एच इफ यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एच देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बी तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और एंड देन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोथ द थिंग्स इंक्रीजेस इफ यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई करेंट क्लियर है आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या बता सो नेक्स्ट इज दिस दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म्स द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज एंड एक्सपैंड आउटवर्ड फ्रॉम द कॉयल फॉर्मिंग अ पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लिखा हुआ है यह इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इट फॉर्म्स द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके थ्रू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनती है कौन से इलेक्ट्रो मैगनेट जिसके अंदर आप यहां पे करंट की वैल्यू को जीरो से मैक्सिमम तक इंक्रीज करते हैं

और सेट ऑफ कंडक्टर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है यानी कोई एक अपनी जगह स्टेशनरी है so, conductor, conductor अदर वन इज रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन सो देयर विल बी अ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर, जो कंडक्टर उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी ठीक है? इज गोइंग टू बी जितनी फ्लक्स लिंक होती है, जितनी कट होती है उतना ही ईएमएफ एम बनेगा तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन सी दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेट लाइन ऑफ फोर्सेस एंड एक्सपेंड्स आउटवर्ड फ्रॉम द कॉल फॉर्मिंग फ्लक्स अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेक्शन बन गया जिसको हम लोग प्राइमरी बैंडिंग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर उसका इलेक्ट्रो सेक्शन जैसी बनता है यहां पर तो उसके उसके अंदर जैसे जैसे आपने करंट देना शुरू किया कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस उसने बनाना शुरू किया और जैसे जैसे वो करंट की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे वो ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को एग्जिबिट करता है सिस्टम में अब इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के लिए वहां पर क्रिएट हो जाता है कौन सी चीज एम एम एफ दैट इज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स तो देखो इसको आप कैसे समझ सकते हो उसको बता देता हूं मैं तो सपोज कर लेते हैं हम लोग यहां पर कि ये अगर हमारा ट्रांसफॉर्मर का ऐसा कोर सेक्शन है लेट अस अज्यूम वी आर उट अ को टाइप ट्रांसफॉर्मर और इसके ऊपर आपने दो तरीके की बात कर रहे हैं इसके N1, side, secondary winding, secondary turns, coil, ठीक है और यहां पर हम आउटपुट लेने वाले हैं एंड इफ इनिशियली जो, जो भी आप इनपुट देते हैं इसके अंदर ठीक है जो भी आपने करंट की वैल्यू को ग्रेजुअली इंक्रीज किया तो ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेज यहां पर बननी शुरू हुई अब जो ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेज बननी शुरू हो रही है और जैसे ही ग्रेजुअली करंट की वैल्यू को आप जीरो से पीक तक एक्सटेंड करते हैं सो इन दैट केस द मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग उसकी स्ट्रेंथ अब इंक्रीज होना शुरू हो जाती है एंड दैट इज गिवेन बाईटी अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अब जितना अमाउंट यहाँ पे बनता है तो अब ये इट स्टार्ट मूविंग आउटवर्ड्स ये बाहर जाने की कोशिश करता है और जब ही ये बाहर जाने की कोशिश करेगा तो ये इट विल सर्च फॉर अ बेटर मीडियम लो रिलकटेंस पाथ की इसको जरूरत पड़ेगी ठीक है थ्रू फॉर ट्रांसफरिंग थ्रू अ मीडियम आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर Magnetic flux it can even travel from air, then why will it search for an N medium? So let me explain you one thing very clearly: that air is having a relative permeability of one, whereas any any conducting medium that can be or that must be of a magnetic material. So any uh, such kind of medium if you are providing that it will have a relative permeability definitely more than air or vacuum. So let us assume that this particular conductor that we are using over here.

कि ये हमारी इंटेंडेड पाथ है जिसके थ्रू ये ट्रेवल कर रहा है और सेकेंडरी तक पहुंचता है जबकि अगर कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स एयर को एज अ मीडियम यूज करेगा और वो अपनी सर्किट यहीं पे कंप्लीट कर लेगा सो इट वॉन्ट रीच टू द सेकेंडरी साइड इट विल नेवर रीच द सेकेंडरी साइड एंड इफ इट नेवर रीच इज द सेकेंडरी साइड देन यू कैनॉट यूज दैट फ्लक्स फॉर गेटिंग इट कट विद द कंडक्टर और गेटिंग द इंड्यूस्ड कोई इंड्यूस करने के लिए आपके लिए ये फ्लक्स नहीं यूज होने वाली है नहीं काम आने वाली है ठीक है सो दैट इज द केस इसी वजह से ये फाइव यू जो होता है ना आवर यूजफुल फ्लक्स दिस इज द ओनली रेस्पॉन्सिबल फ्लक्स फॉर इंडक्शन ऑफ इफ एम एफ को इंड्यूस करवाने के लिए यही फ्लक्स सबसे ज्यादा फ्लक्सिबल होती है तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर यहां पे टोटल फ्लक्स कुछ बनती है वी ऑलरेडी नो दैट टोटल फ्लक्स इज द सम ऑफ यूजफुल फ्लक्स एंड लीकेज फ्लक्स टोटल फ्लक्स जो है वो सम है किसकी यूजफुल फ्लक्स जो इस पाथ के अंदर से जाएगा प्लस द लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स तो कोशिश हमारी यह रहती है कि जो यूजफुल फ्लक्स है इसकी मैग्नीट्यूड एज हाई एस पॉसिबल रहे एंड लीकेज फ्लक्स शुड बी एज लो एस्ट पॉसिबल ठीक ऐसा कब हो सकता है कोर वेन एवर यू विल डिजाइन अ कोर है पाथ इसका रिलक्टेंस जितना कम होगा तो आपको पता है कि रिलक्टेंस दैट मीन्स एस इज टू एल अपॉन म्यू नॉट एंड म्यू आर ठीक है रिलेक्टेंस है तो मतलब आप ऐसे शो कर सकते हैं उसको एंड आपको पता है कि रिलेक्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ और ट्रांसफर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को ट्रांसफर होने में जो रुकावट होती है जो अपोजिशन ऑफर होता है दट इज टर्म्ड एज रिलक्टेंस सो द वैल्यू ऑफ रिलक्टेंस कैन गट इंक्रीज इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग सेक्शन तो अगर इसका पाथ में इंक्रीज कर दूंगा तो रिलक्टेंस अपने आप बढ़ जाएगी या तो फिर मैं बोलूं कि अगर मैं इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को रिड्यूस कर देता हूं देन ऑल्सो द गोइंग टू गेट इंक्रीज बट इफ आई से रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज हाई दैट मीन द लो। ये चीज हो जाएगा अगर रिलेटिव परमेबिलिटी हाई है किसी मीडियम का तो उसका रिलेक्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द वन विच इजिंग लोअर रिलेटिव परमेबिलिटी जैसे एयर है इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी हाई है मतलब इसकी रिलेक्टेंस जो है दैट इज गोइंग टू बी लेस दैट is going to be high. Sorry. तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि आगे इसके अंदर और क्या क्या होता है कैसे इसकी वर्किंग होती है तो नेक्स्ट इज द ऑफ बोथ टर्मसिंग गेट लिंक बाय दिस मैग्नेटिक फ्लक्स तो जैसा आपको मैंने शुरू में बताया था कंस्ट्रक्शन पार्ट के अंदर भी बताया था कि ट्रांसफार्मर की जो दोनों वाइंडिंग्स होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी देर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन दीज टू बाइंडिंग्स इन दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता इलेक्ट्रिकली दे आर अपार्ट ये लोग दोनों सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फॉर्म में ही जुड़े होते हैं ट्रांसफॉर्मर इज इज ऑल्सो टर्म एज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डिवाइस इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लेकिन उसको मैग्नेटिकली हम लोग उस सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो मैग्नेटिक फॉर्म में क्वांटिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है एंड देयर व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अगेन देन ओनली वी गेट द आउटपुट इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म तो दैट इज इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है टर्म ऑफ बोथ द गेट बाइंड बाय दिस मैग्नेटिक फ्लक्स ये मैग्नेटिक फ्लक्स ही होती है जो दोनों वाइंडिंग्स को दोनों कॉइल्स को एक दूसरे से लिंक करवाती है एंड नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इन द कोर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न इन द वाइंडिंग एंड द अमाउंट ऑफ करेंट कोर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न इन द वाइंडिंग एंड द अमाउंट ऑफ करेंट उसकी स्ट्रेंथ जो है

तो अगर वो टाइम वेरिंग नहीं होगा तो इन दिस केस वाइंडिंग इज ऑल्सो स्टेशनरी एंड योर मैग्नेटिक फ्लक्स विल आल्सो बी स्टेशनरी इट विल ऑल्सो बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज सो नॉट गेट वैल्यू ऑफ डी फाइव अपॉन डी टी हमको चाहिए वी नीड फ्लक्स डी फाइव टू डेल्टा फाइव टू माइनस डेल्टा फाइव वन इज इक्वस टू डेल्टा फाइव चेंज इन फ्लक्स की मैं बात कर रहा हूं ठीक है और ये सब किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो डेल टी टू माइनस डेल टी वन दैट इज इक्वस टू डेल टी इज डी फाइव अपॉन डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फ्रॉम वन वैल्यू टू वन अदर विथ रिस्पेक्ट टू दिस टाइम ड्यूरेशन अगर ऐसा कुछ होता है

लोअर पोटेंशियल लेकिन इसके अंदर क्या होता है यहां पे भी जहां पे हायर मैग्नेटिक फील्ड का जो सेक्शन है जहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है ज्यादा स्ट्रेंथ की फील्ड क्रिएट होती है सो इट फ्लोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स विथ पासिंग थ्रू द लो रिल्स पाथ ऑलवेज आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या चीज है ठीक है तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा ईएमएफ इक्वेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और

लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने प्राइमरी वाइंडिंग करके रखा हुआ है हैविंग n number of turns इसको डिनोट किया मैंने n1 से ठीक है एंड सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड आई एम मेकिंग इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग हैविंग n2 नंबर ऑफ टर्न्स इसके टर्न्स n2 से डिनोट कर रहा हूं मैं दिस इज आवर सेकेंडरी वाइंडिंग ठीक है एंड दिस वन इज आवर प्राइमरी वाइंडिंग ठीक तो uh, मुझे ये चीज पता है कि इसको इनिशियली मैं कुछ सप्लाई करंट दे रहा हूं i इस करंट के बेसिस पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो रही है उस मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो यहाँ पे क्रिएट होगी और आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी जब ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी तो उसके पास दो रास्ते रहेंगे पहला जो रास्ता है दैट इज इट कैन ट्रेवल थ्रू द एटमोसफियर द एयर दैट हैज बीन सराउंडिंग सिस्टम इस सिस्टम को जिस एयर ने जो सराउंड करके रखा एयर या वैक्यूम जिस भी मीडियम में आपने रखा हुआ है फर्स्ट इज दैट ऑप्शन कि वो पूरी की पूरी जो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुई है वहां पे इट कैन ट्रेवल थ्रू द एयर ठीक और सेकंड ऑप्शन ये होता है कि इट कैन ट्रेवल थ्रू द पाथ द मेटालिक पाथ विच यू हैव प्रोवाइडेड जो मेटालिक पाथ हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है दैट लो रेजिस्टेंस पाथ या रेजिस्टेंस तो नहीं बोलना चाहिए मैग्नेटिक सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज कॉल्ड एज अ लो रिल्स पाथ तो एक ऐसा मीडियम आपने क्रिएट करके रखा हुआ है योर डिफाइंड मीडियम दैट यू वॉन्ट द मैग्नेटिक फील्ड टू ट्रेवल थ्रू इज हैविंग अ लो रिल रिलकटेंस पाथ यानी रिलेक्टेंस की वैल्यू जो किस पर डिपेंड करती है L अपॉन a डिड करती है तो आप ऐसे किसी मेटल का आपने बना के रखा हुआ है तो डेफिनेटली उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उसकी म्यू आर द परमिएबिलिटी या रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम इज हायर एज कंपेयर टू एनीथिंग एल्स तो मतलब अगर आपके एयर की रिलेटिव परमेबिलिटी आपको पता है इट इज वन एंड ऑब्वियस थिंग है कि कंडक्टर जो आपने यहां पे यूज किया है फॉर डिजाइनिंग कोर जो मेटल आप यूज कर रहे हैं इसकी म्यू आर की वैल्यू अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लू कि इट इज 800 या इट इज 1000 तो जितना भी होगा ये इस वन से तो बहुत ज्यादा ही होगा ठीक है आप अगर एक प्रॉपर एक मेटल डिजाइन करते हैं एक मेटल का यूज करते हैं और उससे एक प्रॉपर कोर डिजाइन आप कर रहे हैं जिसकी लेंथ भी आपने एक्स्ट्रा नहीं रखा हुआ है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी बहुत ज्यादा कम नहीं किया हुआ है तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ म्यू आर विल विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ एयर और वैक्यूम तो अगर वैक्यूम या एयर से इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी ज्यादा है तो बोलने का मतलब यह है कि आपका जो uh, जो कंडक्टर जो मेटालिक सेक्शन है कोर का वो प्रॉपरली कंडक्ट कर सकता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को और इस रीजन से ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सिंग थ्रू पाथ लेकिन फिर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है एयर एंड कंप्लीट इट्स सर्किट दिस इज द अनडिजायर्ड अमाउंट ऑफ फ्लक्स सो इट इज टर्म एज फाइव मीन द लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स तो ये लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स के होने की वजह से क्या हो जाता है कि कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है वो वेस्ट हो जाता है इसको समझते हैं बोर्ड पे अलग से तो देखो थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज आवर ट्रांसफॉर्मर अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लू ऐसे कि दिस आवर बेसिक डायग्राम ऑफ अ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर जिसके बारे में हम लोग इसकी ई एम इक्वेशन को डिफाइन करने जा रहे हैं तो और मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसकी जो प्राइमरी साइड है इस पे मैंने कुछ नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स लगा के रखे हुए हैं ठीक है एंड इन द सेम वे ऑन इट सेकेंडरी साइड आई हैव प्लेस्ड सम सेकेंडरी फील्ड कॉइल्स सेकेंडरी कॉइल सेकेंडरी वाइंडिंग मैंने कुछ प्लेस करके रखा हुआ है ठीक है और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही साइड की जो वाइंडिंग्स है इसका नंबर ऑफ टर्न्स मैंने लिख लिया यहां पे दिस वन इज एन वन एंड दिस इज एन ठीक है दैट वन इज एन और इसके बाद अब मुझे पता है कि यहां से हम लोग कुछ इनपुट सप्लाई देते हैं अज्यूम कर लिया कि यहां से कुछ इनपुट सप्लाई दिया मैंने सप्लाई करंट आई और इन दो पॉइंट्स के बीच में सिंस इट इज प्राइमरी साइड तो डेफिनेटली उन दो पॉइंट्स के बीच में मैं क्या करने वाला हूं मैं एसी सोर्स प्लेस करने वाला हूं इन दो पॉइंट्स के बीच में ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जो है वो हमारा प्लेस्ड है ठीक है जो ऐसा साइनसोइडल नेचर की सप्लाई इसको इनपुट में दे रहा है ठीक और ऑन द अदर हैंड वी आर प्लेसिंग अ वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस आर एल अ लोड रेजिस्टर आर एल जो ये डिफाइन कर रहे हैं कि किस अमाउंट की लोड जो है सप्लाई के अक्रॉस पे कनेक्टेड है ठीक और अब इस केस में हम लोग क्या डिफाइन करने वाले हैं वी आर गोइंग टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ ई एम एफ ऑफ अ सिंगल फेज ई एम एफ ऑफ अ सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर एम एफ ऑफ सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर ठीक है तो देखते हैं इसका ई एम एफ कैसे आप डिफाइन करने वाले हैं तो उसके लिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए के के लिए आपके पास जो एक्ट करती है यहां पर वो किस डायरेक्शन की है वो किस टाइप तो उसको चलो समझ लेते हैं पहले लेटर्स अज्यूम की यह सब हमारी लाइन ऑफ फोर्सेज यहां पर मैं कुछ शो कर देता हूं ऐसा रैंडमली मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया ठीक है ये सब हमारी लाइन ऑफ फोर्सेस है और इनका डायरेक्शन मैंने ऐसा डिफाइन करके बना दिया है ठीक है ये सब ऐसे डाउनवर्ड है ये सब यूनिफॉर्म लाइन ऑफ फोर्सेस है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इससे जो शो हो रहा है हमारा और यहां पे मैं एक कॉयल को प्लेस करने वाला हूं क्या प्लेस करने वाला हूं मैं यहां पे एक कॉयल को प्लेस करने वाला हूं ऐसा कुछ एक रेक्टेंगुलर कॉयल जो है वो इस फील्ड के अंदर जाने वाला है ठीक है और ये जो कॉल है इसके ऊपर कुछ कंडक्टर की वाइंडिंग कर रखा है मैंने दैट इज और इसी के साथ कुछ इसके कोफिशियंट भी हैं इसी के साथ कुछ इसके कोफिशियंट्स भी हैं क्या क्या, क्या, क्या कोफिशियंट्स है चलो देख लो आप लोग भी एक पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जो कंपोनेंट एक्ट कर रहा है दिस इज टर्म्ड एज़ फाइव एम कॉस ओमेगा टी एंड सिमिलरली ऑन द अदर हैंड ऑन द अदर हैंड वी हैव अनदर कोफिशेंट जो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है और इसका नाम है इसको हम लोग लिखेंगे इट इज शोन बाय फाइव एम साइन ओमेगा टी फाइव एम साइन ओमेगा टी ठीक है अब इस सेट को अगर मैं लेके जाता हूं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहां पर ठीक तो आपको दिखेगा कि किस ओमेगा टी इस फील्ड के साथ पैरेलल में एक्ट कर रहा है जबकि फाइव साइन ओमेगा टी इस फील्ड के साथ परपेंडिकुलर सेक्शन में एड कर रहा है कॉयल की नंबर ऑफ टन कितनी है एन एन नंबर ऑफ है इसके ठीक है और अब अगर मैं इस कॉयल को इस सिस्टम के अंदर ऐसे घुमाना शुरू करता हूं ऐसे ये डेविएट होना शुरू होता है तो आपको दिखेगा आपको क्लियरली यहां से विजिबल होगा कि देखो ये कैसे इसके वेरी कर रहे हैं घुमा है? है? तो पूरा पूरा सकता हूं मैं इसको ये ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करता रहेगा ठीक है तो देखो कंपोनेंट इसका कैसे मूव कर रहा है तो आप इसको समझ सकते हैं ऐसे कि जब ये इस पर्टिकुलर कंडीशन पे रहेगा तो फाइव एम साइन ओमेगा टी वाला कंपोनेंट जो है इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है ठीक है सो फॉर दिस कंडीशन अगर मुझे इसी केस में इसको डिफाइन करना हो तो मैं बोल सकता हूं कि वी नो दैट वी नो दैट द इंड्यूस्ड ई एम एफ इन कॉयल ऑफ एन इन कॉल ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न नंबर ऑफ टर्न विल बी कितना ई एम एफ इंड्यूस होगा तो इसके अंदर जो इंड्यूस हो रहा है ई एम एफ उसको मैं लिखा इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी से उसको डिनोट कर लिया ठीक है तो आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ फाइव इज रिक्वायर्ड यहां पे आपको जरूरत है कि इस पर्टिकुलर केस में फाइव की वैल्यू हम कितनी ले? तो maximum flux जो link हो रहा है वो अगर perpendicular section पे मैं देख, बात करूं, तो देखो हमारी कॉयल भी यहां, perpendicular section पे प्लेस्ड है तो ये परपेंडिकुलर सेक्शन का कंपोनेंट जो है हमारा दैट इज फाइव साइन ओमेगा इसको हमको यहां पे रखना पड़ेगा सो फॉर दिस केस वी कैन राइट फाइव इक्व साइन ओमेगा टी and therefore वी विल गेट द वैल्यू ऑफ e इज equals टू minus n और उसके साथ d by dt of ऑफ की जगह पे क्या पुट किया अब इसी टर्म में आगे लिखता हूं मैं कि फॉर दिस केस सो equal टू n ओमेगा M, और जो साइन ओमेगा था हमारा वो चेंज हो जाएगा इन टू कॉस ओमेगा टी ठीक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन इस रिलेशन से आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट टर्म्स है और कुछ फ्लक्चुएटिंग पार्ट है ठीक है सम ऑफ देम आर कॉन्स्टेंट एंड द अदर आर फ्लक्चुएटिंग पार्ट सो वी कैन से दैट सो वी कैन से दैट एम इज इक्व टू एन ओमेगा फाइव ये चीज आपको पता है मैक्सिम ई एम एफ जो इससे लिंक होगा ई एम जो होगा पीक वैल्यू ऑफ ई एम एफ दैट विल बी एन ओमेगा फाइव क्लियर है सप्लाई कौन सी दे रहे हो आप यहां पर ए सी सप्लाई दे रहे हो तो एसी क्वांटिटी की जो भी हम लोग मेजरमेंट्स लेते हैं जो रीडिंग्स लेते हैं जो भी चीजें हम लोग करते हैं इसके साथ वो सबके सब किस फॉर्म में होता है मुझे बताओ इनका जो जो भी क्वांटिटी होती, होती है उसकी मैग्निट्यूड किस फॉर्म में एक्सप्रेस को बताया था मैंने नंबर सी के तो को और इसे जरा सीधा कर लेते हैं हाँ भाई तो ये आपको याद होगा कि हम लोग ये सारा का सारा जो नोटेशन पढ़ते थे ऑल वेर यूज टू बी इन दर एम एस फॉर्म रूट मीन स्क्वायर फॉर्म होता है ठीक है तो अगर इसी ई एम एफ को जो ई एम एफ की मैग्नीट्यूड जो हमारी पीक में है इसको अगर मुझको आर एम एस फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो ये कैसा हो जाएगा सुनाओमएफ इन आर एम एस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर एम एस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन

एंड होल अपॉन वी विल डिवाइडेड विथ रोट टू ठीक है अब यहां से आपको एक और चीज पता है कि ओमेगा जो होता है जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी इस सिस्टम के अंदर ओमेगा की भी कुछ वैल्यू होती है सिंस ओमेगा इज इक्व टू टू पाई एफ टू पाई इनटू द फ्रीक्वेंसी जिस फ्रिक्वेंसी पे आपकी ये जो क्वांटिटी है ये रोटेट कर रही है ठीक है तो ओमेगा की वैल्यू हमको पता है कि इट इज इक्वल टू टू पाई एफ सो देआर फोर ई आर एम एस विल बी इक्वल टू एन और ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो इंटू टू पाई एफ इंटू फाइव एम मैक्सिमम फ्लक्स होल अपॉन रूट टू ठीक है तो देखते हैं टू पाई अपॉन रूट टू की मैग्नीट्यूड हमको यहां से कितनी मिल सकती है तो टू पाई अपॉन रूट टू जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन आर एम एस फॉर्म सो इट विल बी फोर पॉइंट फोर फोर और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है तो इट विल शो एज एफ इट विल बी शोन एज एफ इन टू फाइव एम इन टू एन सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर की वैल्यू अगर मुझको ऐसे कांस्टेंट फॉर्म में बतानी हो और आरएमएस फॉर्म में आपको डिनोट करनी हो सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई फॉर द केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर दिस इज द वैल्यू ऑफ ई एम फॉर द केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर ठीक है सो दिस इज द आर एम एस वैल्यू दिस इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ ई एम एफ इंड्यूस्ड इन अंगल फेज इन अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ठीक है अब रेफर टू तो प्राइमरी साइड बोलो अगर आप प्राइमरी साइड बोलोगे तो ई आर एम एस वन लिखोगे आप फ्रीक्वेंसी तो दोनों जगह पे सेम है फ्लक्स मैक्सिमम है पीक वैल्यू पे है तो दैट विल आल्सो बी सेम द ओनली थिंग थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज इज द वैल्यू ऑफ ई आर एम एस वन इट विल बी टर्म्ड एज ई आर एम एस वन एंड द वैल्यू ऑफ एन वन और एन टू विच एवर साइड यू आर रेफरिंग टू इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी साइड देन इट विल बी कॉल्ड एज एन टू एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी साइड देन यू कैन नेम इट एज एन वन ठीक है तो उस अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा ई का डेरिवेशन बनता है फॉर अ सिंगल फेस ट्रांसफार्मर एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के लिए अगर आपको ई का डेफिनेशन डेरिवेशन पार्ट अगर करना होगा तो ये इसका डेरिवेशन पार्ट है इससे आप कंक्लूजन तक पहुंचते हैं ठीक चलो आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या पढ़ रहे थे हम लोग सो दिस वॉज ऑल इट तो इसमें लिखा हुआ रिलेशन बिटवीन द इंड्यूस डीएमएफ ई इन द कॉयल वाइंडिंग्स ऑफ एंड टर्न इज गिवन बाई दिस होल वैल्यू इसमें अब आगे क्या चीज दिया हुआ है आपको इसमें आगे लिखा हुआ है कि एफ इज द फ्रीक्वेंसी इन गिवन हर्ट गिट टू नंबर ऑफ कॉल फाइव इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स इन द अब इक्वेशन इज द ट्रांसफॉर्मर ई एम एफ इक्वेशन फॉर ई एम एफ ऑफ अ प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर ई एंड एन विल बी द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न एन पी वाइल फॉर ई ऑफ अ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न एन ठीक तो दिस वॉज इट्स कंडीशन तो आगे बढ़ते हैं वर्किंग के बाद अब मेजरली हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर uh, का ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन जो है वो किस तरीके का होता है सो द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर सो द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन सो द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ये किस तरीके से काम करता है तो सबसे पहले आपको दो चीजें याद रखने की जरूरत है ये ऑपरेट जो करता है ये किसके बेसिस पे करता है ऑन द बेसिस ऑफ फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन पैराडाइज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है और वो ईएमएफ सेकेंडरी तक जो पहुंचती है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डन ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन तो यहां पे अगर कोई ईएमएफ बनती है ईएमएफ ई वन है तो ये लिंक हो जाती है टू द सेकेंडरी एंड इट इज टर्न्ड एज ईएमएफ ई टू तो ये चीज कैसे होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से ईएमएफ यहां पे बनी और म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल से ईएमएफ सेकेंडरी के साथ लिंक हो गई सेकेंडरी सेक्शन पे आपको म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिना के बेसिस पे ईएमएफ करती है।, सबसे है, उसकी क्या खासियत है क्या उसकी वर्किंग है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो उसमें आपको मैं बता दूं कि ट्रांसफॉर्मर का कोर जो होता है इसको हमेशा या प्रेफरेबली इसको जिस मेटल से डिजाइन किया ये सिलिकॉन स्टील का कोर होता है जिसके अंदर और क्या चीज प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है लेमिनेशन जिसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है लेमिनेशन तो द रीजन ऑफ प्रोवाइडिंग द दैमिनेशन इज वी नीड टू रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एडी एडिक्रेंट एंड एडी एडीकरेंट सिंस इट इज टर्म्ड एज अ लॉस सो दैट इज बाई वी नीड टू रिड्यूस द एडीकरेंट लॉस एंड दैट इज बाई वी नीड टू प्रोवाइड लैमिनेशन बिटवीन दो थिंग शीट्स और थिन शीट्स चीज, किस चीज से बनाया गया स्पेसिफिकली तो इट इज बिंग फॉर्म बाई यूजिंग द अलॉय ऑफ सिलिकॉन एंड स्टील सिलिकॉन स्टील अलॉय का यूज करने का रीजन है ताकि आप लॉस को रिड्यूस कर सको किसको रिड्यूस कर सको सो दैट यू कैन रिड्यूस लॉस और लेमिनेशन क्यों प्रोवाइड किया टू रिड्यूस द एडी करेंट लॉस रिड्यूस द एडिकेंट लॉस ठीक है तो हिस्टेरिस और एडी लॉसेस जो कि मेजरली ट्रांसफॉर्मर के अंदर आयरन लॉस के नाम से भी जाने जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए उनको प्रॉपरली रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने सिलिकॉन स्टील और लैमिनेशन का यूज किया हुआ है अपार्ट फ्रॉम दैट जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी प्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है उसके अंदर इम्प्योरिटीज एज लेस एज पॉसिबल होती है जस्ट बिकॉज वी नीड टू हैव द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिलकटेंस द वैल्यू ऑफ एस शुड बी लो एंड द वैल्यू ऑफ म्यू आर शुड बी हाई ये दो चीज का होना जरूरी है रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम शुड भी एज हाई पॉसिबल क्यों बिकॉज आपके सामने कंपेरिजन में कौन सी चीज है यहाँ पे एयर है इट इज हैविंग रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ वन इसकी म्यू आर जो है दैट इज इक्वल टू वन सो डेफिनेटली मटीरियल दैट यू आर यूजिंग टू बिल्ड अ ट्रांसफॉर्मर कोर दट हैजू हैव हायर अमाउंट ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी एज कम्पेयर टू एयर टू भी हायर एनी हाउ इज गायर बट ये इतना हाई होना चाहिए हो और जो लीकेज फ्लॉप दैट शुड बी एज मिनिम एज पॉसिबल तो वो तभी पॉसिबल है कि आपकी यूजफुल फ्लग्स जो है दिस वैल्यू ऑफ फाइ यू इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल ज्यादा से ज्यादा यूजफुल फ्लक्स जा सके तो वो कब होगा जब उसको कम अपोजिशन ऑफर हो कम रिलक्टेंस का पाथ हो और रिलेक्टेंस कम कब होगा जब रिलेटिव परमेबिलिटी हाई होगी मेटल की ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउटिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अल फेस ट्रांसफॉर्मर आई होप की आपको uh, इस वीडियो में बेसिकली सारी चीजें समझ में आई होंगी जो सारा कुछ हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो बेसिकली इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने दो चीजों के बारे में बात किया अबाउट दर्किंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर वर्किंग में आप लोगों ने क्या क्या देखा कि ट्रांसफॉर्मर में आप सबसे पहले एसी इनपुट दिया आपने वो एसी सप्लाई उसके कॉयल्स के अंदर गई प्राइमरी वाइंडिंग की के के अंदर उस के अंदर उस क्या चीज हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ ईएमएफ ईएमएफ जो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनना शुरू हुआ जब करंट की वैल्यू ग्रेजुअली जैसे बढ़ाते जा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इंड्यूस हो रहा है जो आउटवर्ड्स मोशन करने की कोशिश कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स तो अब जब वो फ्लक्स आगे की तरफ जाएगा तो आपने कोर डिजाइन करके पहले से रखा हुआ है वो कोर जो है उसकी खासियत यह है कि इट इज बी मेड अप ऑफ लो रिलक्टेंस पाथ कैसे लो रिलक्टेंस पाथ बनाया हम लोगों ने सिलिकॉन स्टील से बना हुआ कोर यूज किया जिसकी थिन शीट्स के फॉर्म में हम लोगों ने उस सारी थिन शीट्स को कंपाइल करके एक थिक कोर बनाया तो इसके पीछे दो थ्योरीज थी जो सिलिकॉन स्टील का यूज किया वो इसलिए यूज किया सो so दैट कि आपकी जो जो रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म को स्टोर करने का प्रॉपर्टी होता है इसका दैट शुड बी रिड्यूस्ड सिलिकॉन स्टील यूज करने का एक ही कारण है कि रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म को हम लोग एज लेस एज पॉसिबल रखना चाहते हैं और इससे क्या बेनिफिट होगा उससे आपका जो बी एच से लैक कर रहा था दैट प्रॉब्लम कैन बी सोल्व मतलब जो हिस्टेरिस का इशू है वो इस चीज से सॉल्व हो जाता है अपार्ट फ्रॉम दैट जो थीन शीट्स हम लोगों ने फॉर्म किया और फिर उन शीट्स के बीच में लेमिनेशन प्रोवाइड करके उनको कंपाइल करके थिक्स कोर बनाया तो उसका कारण ये होता है कि अगर लेमिनेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे और एक सिंगल थिक कोर बना देंगे हम लोग तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा आपकी कोर का और उस सरफेस एरिया के कारण ज्यादा अमाउंट ऑफ एडी बनने शुरू हो जाएगी एडी बननेट क्या करेगी आपकी एक्चुअल सप्लाई को अपोज करने की कोशिश करेगी आपकी एक्चुअल फ्लो को रिवर्स करने में अपोजिशन ऑफर करने में सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो एडी एडीकरेंट का रहेगा तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि एक रेगुलर थिक कोर ना फॉर्म करके हम लोगों ने उस कोर की थिकनेस को कम किया और हम लोगों ने उसको पतली शीट्स के फॉर्म में डिवाइड कर दिया और सभी शीट्स को एक दूसरे से लेमिनेट कर दिया एक दूसरे से इंसुलेट कर दिया अलग कर दिया बाई प्रोवाइडिंग लैमिनेशन और मैं आपको बता दूं कि जो लेमिनेशन होता है इट इज समेयर ऑफ जीरो पॉइंट टू फाइव एम एम ये लगभग लगभग पॉइंट टू फाइव mm एम एम से थ्री एम एम सॉरी पॉइंट टू फाइव एम एम से पॉइंट थ्री फाइव एम एम के बीच का रखा जाता है जो लेमिनेशन होता है ये ध्यान रखना आप लोग ठीक है जब भी ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन बता रहे हो गए सो यू कैन मेंशन दिस एग्जैक्ट डिटेल एस वेल तो इस टाइप का लेमिनेशन प्रोवाइड किया जाता है इतनी कम थिकनेस का थिकनेस भी बहुत ज्यादा नहीं रख सकते हैं क्योंकि अगर आप लेमिनेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो जो कोर मेटल होगा अंदर से अगर जब वो हीट होना शुरू होगा तो उसकी हीट डिसिपेशन भी कम हो जाएगी वो हीट जो होगा कम डिसिपेट करा पाएगा तो हीट उसके अंदर से अगर कम निकलेगी तो आपका कोर जो है बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा गर्म हो जाएगा हीट अप हो जाएगा लेकिन लूज बहुत देर से करेगा अपनी हीट को तो दैट इज अंडिजायरेबल कंडीशन सो दिस कोर मेटल वर्क फॉर ट्रांसफर ऑफ मेजर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द सेकेंडरी वाइंडिंग अब क्या होता है कि जब आपने प्राइमरी में करंट दिया उससे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनी कोर आपने डिजाइन करके रखा है लोअर इलेक्टेंस पाथ का तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कोर के थ्रू ट्रेवल करती है आगे अब वो सारी की सारी फ्लक्स जब पहुंचती है सेकेंडरी वाइंडिंग में तो सेकेंडरी वाइंडिंग में आपने सेकेंडरी सेक्शन में आपने फिर से वाइंडिंग करके रखा हुआ है कुछ नंबर ऑफ टर्स प्लेस करके रखे हुए हैं ठीक है तो इन नंबर ऑफ टर्न से जब ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कट हो जाते हैं जैसे ही कट होती हैं तो उस प्रोपोर्शन में उस अमाउंट में आपको कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ मैग्नेटिक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां पे बन के मिलना शुरू हो जाता है तो कुछ ई एम एफ इंड्यूस करती है ये लोग और ये जो ई एम एफ जो होता है इसी के बेसिस पे आपकी सिस्टम जो है उस प्रोपोर्शन में उतनी करंट और पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड कर पाती है तो ये था ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर और प्रिंसिपल के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है इट प्योरली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच टू फोल्ड्स पहला फोल्ड उसका ये बताता है कि इफ देयर विल बी अ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सेट ऑफ कंडक्टर्स एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द

उंट ऑफ फ्लक्स आपकी पहुंच भी जाती है इवन इन दैट केस अगर आप नंबर ऑफ टर्न रिड्यूस कर देते हैं तो आपका सेकेंडरी साइड का ईएमएफ अपने आप रिड्यूस हो जाएगा और इसी के बेसिस पे हम लोग ये बताते हैं कि स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करते हैं ठीक है तो आई होप की वर्किंग और प्रिंसिपल जो है ये प्रॉपर आपको समझ में आया होगा जितना जो मेजर टॉपिक्स आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने प्लान किया था वो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मिला होगा स्टे कनेक्टेड आने वाले वीडियोस में आपको ओपन uh, सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में भी काफी कुछ डिटेल बताऊंगा मैं और प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ तो डेफिनेटली जाके उसको भी देख लीजिए तो चलिए अब इस वीडियो को अब यही पे एंड अप करते हैं और जल्दी मिलते हैं अपने अगले सेशन में टिल देन स्टे कनेक्टेड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स